सो हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं वापस अपने वीडियो नए ब्लॉग से। हमारा न्यू ब्लॉग है ये। हाँ, न्यू है। ओह, न्यू चैनल नहीं है, न्यू ब्लॉग है। हम अपना न्यू चैनल कब बना रहे हैं फिर? जल्दी बनाएंगे हम। ओके, न्यू डे की शुरुआत न्यू वीडियो से। कैसे हो आप सब? सब ठीक है, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो मुझे बताओ आज आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बहुत बोरिंग डे था, बहुत टायर्ड, बहुत ज़्यादा। वैसे काम इतना होता है, कई लोग मेरे लिए काम छोड़ के चले जाते, ऊपर फोन में बातें करने। इनकी बारी थी आज बर्तन धोने की। तो तुमने नहीं धोए हैं? मैं धोने आ रही थी। अच्छा, मैं नीचे आई क्योंकि मुझे पता था मुझे मिलकर देना है सबको। अच्छा। गर्म करके, लेकिन मैं ही नीचे बर्तन धुले थड़ा और मैं खुश हो गई। मैं कहा ज्योति तूने? कहती नहीं नहीं मम्मी ने ऐसे, क्योंकि मैं मम्मी को बोल गई थी यार मेरे से नहीं होंगे। तो मैंने सीरियसली मैंने ये सोचा नहीं था कि तूने धोने हैं, बस कर। तो ऐसे निकल जाती है ऊपर और आते दो घंटे बाद। मैं आई थी, मुझे पता था दूध देना अभी। She's so selfish, you know guys, I'm so kind person. Oh my god, देख रहे कितने kind person हो आप। आगे continue करो। I am kind person. आपने हमारी लड़ाई देखनी है? कमेंट करके बताएं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको रियल वाली अपनी फाइट दिखाएंगे। देख गाली पे गाली, देख गाली पे गाली, गधी गधी गाली दे दे के एक दूसरे का कत्ल कर देते हो। नहीं मैंने ये तो चाकू की जरूरत, ये क्या होता है कि ये चल 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 जा 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 चल। गाली से तो अच्छा है। नहीं इसका मतलब होता है जब कोई टॉपिक इसको नहीं पता है इसकी गलती अभी उसने आप करें ये करती है और मैं तेरी जा ये गाली है तेरे और मैं भी उसने करती। तो मैं सो काइंड, मेरे मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, सारी बुराई बाहर आ जाती है इस करके। और आप बताओ आपके क्या बहन भाइयों में ऐसी वाली फाइट होती है? इससे गंदी होती है, इससे बहुत ज्यादा गंदी होती है। और किन किन टॉपिक्स में होती है? सो आज का हम हमारा पास यही टॉपिक है कि क्या आप अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताती हूं, जैसे सारा दिन का इसका काम क्या होता है। इसका चलो अपना ऑफिस वर्क होते ही होता है, घर आ जाती तो ठीक है, मतलब अगर ये काम करती, जैसे आप लोगों ने इसको देखा है काम करती है, तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता चारों दुनिया में क्या चल रहा है। बस इसको एक चीज से जरूर फर्क पड़ता है, बाहर क्या हो रहा है घर के क्या घर के बाहर लड़ाई चल रही हो, ये तो मुझे देखने जाना पड़ेगा। ओ किसी के बारात ही हो, अब तो मुझे देखने जाना पड़ेगा। ये ऐसी है, लेकिन अगर इसको घर में पता है नीचे कोई बुला रहा है ये नहीं उठेगी, तोवा तोवा मजा ले। मेरा काम नहीं है इसका, बस काम है बाहर क्या हो रहा है, बाहर सड़कों का इसको पता होना चाहिए, घर का कोई नहीं। और बेला का भी है? बेला का भी, बेला को कहेगी बेला अभी मैं तुम्हें टेंशन नहीं दे सकती, बाद में आना, जैसे उसे समझ आता है चले आते हैं। वो लगी थी वाह 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 उसके लिए आ जाती है लेके जाने, रात को बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा। पता क्या करती है बेला, सवेरे 4 बजे उठ जाती है और जो उसको मिल जाता है उसको बाइट करने, वैसे तो उसके दांत चुभते नहीं है बट वो अपनी पूरी कोशिश लगा के बाइट करती है। इवन हमारे पंजे चुभते हैं, स्किन भी हर्ट नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत तेज से बाइट करती है, इतना तो पता चलता ही है। ये करके जहाँ बॉडी फैट मिलेगा यहाँ 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 तुम्हारी पूरी बॉडी काट सकती है। अभी तुम्हें पता चल जाएगी कि वो बहुत ज्यादा ओवर हंग्री है, तो तुम उसे बिस्किट डालोगे, एक बिस्किट खाएगी, पानी पिएगी, फिर सो जाएगी। आज तो उसने आटा की बोरी, मतलब आटा पिसा के लेके आए थे, रखा हुआ था, पता नहीं उसको अंधेरा था दिखा नहीं, मम्मी को डर था कि ये गीला ना हो जाए, कुछ नहीं हुआ। सवेरे 5 बजे बैला को डूंगा दिखाने, उसके पानी वाला इधर उधर लात मारी, सारा आटा खराब हो गया। ऐसा हुआ, पूरी रात निकल गए कुछ ना, सवेरे 5 बजे हुआ। वाली बैला बहुत गर्म कांडी है, उसको जब सोना होगा ना पहले तो चारों तरफ घूमेगी घूमेगी घूमेगी, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, ये जगह अच्छी है जगह अच्छी है। और उसकी स्पेशल आदत है जब कोई सो रहा होगा ना तो तुम्हारी तरफ अपनी शक्ल नहीं करेगी, तुम्हारी तरफ अपना बम करेगी, लुक एट माय बम गाइस वाओ वाओ वाओ, फिर तुम्हें उसको टर्न करना पड़ेगा, बेबी बम से पद आ सकते हैं। फिर हम उसे टर्न करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लेटी रहेगी, फिर उठेगी, फिर बम करके सो जाएगी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, तेरे साथ ऐसे ही होता है, झूठ मत बोल 10 बार तूने भी इसका बोलती है, बेबी बम करके क्यों लेटी है तू मेरी तरफ, झूठ बोल रही है। नहीं 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 ओके, मैं कल मेरे साथ लेटी थी, वो कहती आधा पता किसने माना, मैंने माना, लपेड़ा ना खा लेना, बकवास करे जा रही लाइफ में, लाइफ नहीं है तेरा ये, ओके लाइफ चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया, मुश्किल है आना।
सो गाइज हीरा मंडी किसने देखी है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, प्लीज जाके सब देखो। मैं उसकी ऐड नहीं कर रही बट पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, बहुत ज्यादा। भाई काम धंधा करो इसके पीछे मत लगो, ये तो सारा दिन फोन में लगे थे, फोन में बातें करती है, जितना काम जरूरी है। काम धंधा करो, कोई फायदा नहीं है। मैं ये सोचती हूँ जीवन में सिर्फ काम नहीं करना है, तुम्हें अपना जीवन जीना भी है, क्या पता नहीं तो एक ही अमाउंट में फिक्स रहोगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें काम मिलेगा तुम करोगे, नहीं मिलेगा मुंह देखोगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, काम कर लेती हूँ, नहीं होता तो घर बैठ के मूवी देखती हूँ, समझ रहे हो। यू नो ना व्हाट काइंड ऑफ लव इट इज, आई लव एक्चुअली। वेब सीरीज मुझे अच्छी लगती है बट अच्छी हो, स्टोरीज अच्छी हो। मैंने आज तक कोई वेब सीरीज नहीं देखी, बस मिनी वाली देखी थी। हम वैसे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना था, मैं तो भूल गई, पता नहीं भाई। मैं तो वेब सीरीज, मैं सीरियल भी नहीं देखती ना कुछ देखती, मैं आई थिंक आधा घंटे में फोन चलाती हूँ। मैं बताती हूँ क्या देखती है। ये अपना काम करेगी, लगा लेगी न्यूज, लगा लेगी, अच्छा ये सीरियल नहीं देखती। मैं बताती हूँ तो मैं फेसबुक पे आपको पता है सारे सीरियल्स कितने, कोई पर्टिकुलर पार्ट डालते तो 10 मिनट तक का तो होता ही है, वो लगा लेगी, सुनती रहेगी, देखती नहीं सुनती रहेगी, बड़ 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 भाई रब्बा झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। 10 मिनट का कोई सीरियल ही नहीं आता, और उसमें जो भी होता है वो चलता रहता है और ये स्क्रॉल करके सुनती रहती, देखती नहीं, क्योंकि 30 से 1 मिनट की क्लिप होती है, 30 सेकंड से 1 मिनट की क्लिप। भाई उसने बताओ मैं कौन सा सीरियल देखती हूँ जी, मैंने कितनी बार सुना है एक सीरियल कितनी कितनी देर चलता रहता है, झूठ बोलती, सीरियल की सारी इसको नॉलेज होगी। अभी अफगानी में चल रहा है, नागिन में क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, देखा। हाँ तो फिर जो सच्चे सच है इसको सब पता है, ये सिर्फ झूठ बोलती है। मैं बिग बॉस देखती हूँ बस, इस बार दो भी नहीं देखा था, बिग बॉस आधा देखा था, क्योंकि प्रियंका चाल चलने में फेवरेट थी प्रियंका, इस करके मैं देखती थी और मैंने देखा। और फिर मैंने इससे पहले रुबीना वाला देखा था, रुबीना दिलीप वाला सीजन, जो अच्छे से किया था फॉलो, और तो नहीं मैं फॉलो करते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग बिग बॉस में देखते हैं क्या, लोगों की लड़ाई है, लोगों की चुगलियाँ, वो ऐसा है। फिर रियल लाइफ में सीखते हैं ना तेरे से करने के लिए। मेरे से तो फिर भी नहीं करती, मेरे से सिर्फ लड़ाइयाँ करती है, यही सीख के आती बिग बॉस से। लड़ाइयाँ तो सीखती हूँ, पूजा हाउ यू किक, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी आई किक्ड बाय मिस्टेक, नो यू डोंट किक बाय मिस्टेक। यार इसमें से ना आग से निकल गई जलन से, अभी सेटल तेरे अंदर खून उबल रहा है। हाँ और ये मेरा खून उबल के बाहर आके तेरे को ना पड़े, अच्छे से बाहर ना आ जाए। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक पता नहीं क्या था, लेकिन अब हम कहीं और पहुंच गए हैं, अब हम क्या आपके साथ भी देख भी नहीं सकते हैं कि टॉपिक क्या था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, होता ही होगा, बताना मत पर। लिटरली मुझे नहीं याद आ रहा कि हमने क्या टॉपिक स्टार्ट करने को बोला था। लिटरली हमने ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बोला था कि आप अपने बहन से भाई से फाइट करते कि नहीं। मैं अब याद दिला रही, अब तो हो गया टाइम, चलो नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं, कल हम करेंगे। यस कल करेंगे ये वाला टॉपिक स्टार्ट, अभी के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हमारा नया चैनल अभी इसलिए वेटिंग पे है क्योंकि हम उसके लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, कैमरा सेट कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से आ सके उस पे, जो इस पे हमने गलतियां की है वो अवॉइड कर सके। इसलिए हम न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज। कौन सा नया चैनल जो आएगा तो हमारे वीडियो को रिटेली देखना, आपको कभी भी हमारे न्यूज चैनल मिल सकता है, एंड देन हम उसमें लाइव आया करेंगे, और जो भी इसमें हमने गलती है कि वो उसमें नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, कैमरा क्वालिटी अच्छी रखेंगे, वॉइस क्वालिटी अच्छी रखेंगे, वगैरह वगैरह, अच्छे लोग अच्छे रखेंगे, किसी को ब्लॉग ब्लॉग नहीं करना इस बार हमने। हाँ जिसको जो भी यहीं से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे लाइफ में और हमारे चैनल पर, हमने ब्लॉकिंग के चक्कर में पता नहीं इसको किसने अकल दी, ब्लॉक कर दो, पिन कर दो। अरे तो हमारे लाइफ में कितने अच्छे लोग आते जो हमें ओपिनियन देते हैं, ब्लॉक कर दो दीदी से ब्लॉक कर, दीदी इसको ब्लॉक करो, इतने ब्लॉक कर दिए हमने, हमें लगता है हमारे गांव में 100-200 लोग तो ब्लॉक होंगे, 100-200 तो ब्लॉक हो चुके हैं। हमें ब्लॉग नहीं करना, हमें इनको कैसे डील करना है हमें ये आना चाहिए, और नाउ हमें लगता है अब हम सीख गए डील करना, उनका इग्नोर करके या तो उनको उसी की लैंग्वेज में इग्नोर करके, इग्नोर वे हमें अपनी जवान नहीं गंदी करनी है, तो हम आप लोगों से उनको गले सुना सकते हैं, दैट्स इट। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लाइफ, सॉरी यार आई मिस माय लाइफ वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज कमेंट अस, लाइक सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, या बाय बाय।